कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन को लेकर आज हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में एक सवाल है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर हटेगा। इस बात को लेकर हाल ही में ताजा बयान जो दिया है स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने, उन्होंने एक संकेत दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में कमी तो जरूर आई है, लेकिन मरने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं दिख रही है। इसके अलावा कल जो मामले आए हैं 30,000 से कम नए मामले सामने आए हैं, जबकि 594 लोगों की मौत हुई है। कोविड के चलते राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं, जिसके कारण कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है। ऐसे में सूबे में लॉकडाउन बढ़ेगा या हटेगा, इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 1 जून तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। कोरोना के मामलों में कमी होने के चलते कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में ढील देने का फैसला उद्धव सरकार कर सकती है। इस पूरे मसले पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने स्थिति साफ की है। टोपे ने कहा है कि राज्य में अगर संक्रमण दर में कमी होती है और यह 10% से नीचे रहता है तो सरकार फेज के हिसाब से प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अंतिम फैसला बढ़ाने या हटाने का, लॉकडाउन का, जो भी है वो सीएम उद्धव ठाकरे ही लेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार लोगों से कोविड नियमों को पालन करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन को हटाने का फैसला अभी नहीं बल्कि बाद में लिया जाएगा।